Let's go. Billu bhai hat ja. ABS has been switched off. We are riding in the off-road pro mode on the Himalayan. Whatever you want to call it, huh? ऐसी की तैसी हो रही है इसके साथ। यार चला लेगा, रो मत। अरे वो थ्रॉटल ओपन ही रह जाता है यार। तो यहाँ पे ओपन ही चाहिए थ्रॉटल। थ्रॉटल थ्रॉटल। ओ ये। ओहो। कसार दो। ओए। बता के निकालो यार, मक्खियों की तरह उड़ रहे हैं। हम चलाएंगे अपनी स्पीड पे जितनी कैपेबिलिटी है। कांट बिलीव मैंने इस पे टाइगर चलाई थी उस दिन विद दोज टायर्स। दोज आर शिट। ओह फक। ये लोग तो आगे उड़ के निकल गए हैं भाई। ये जो थ्रॉटल लॉक लगा है ना, बिकॉज ऑफ दैट द थ्रॉटल इज फीलिंग वेरी हैवी। ऑल्दो आई एम नॉट ओपनिंग इट मच, बट स्टिल इट डजंट फील एज स्मूथ। दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग मोर फ्रिक्शन इन द थ्रॉटल। हम हैं टूरिंग वाले बंदे, mostly I prefer to do touring, so that's why that lock makes sense for me. Oh bhai, oi 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 oi. I think I'm in the one gear higher than required. I was in the fourth. I lost the control of the motorcycle. I'm just enjoying this trail because I can't ride fast. Accept it and enjoy what you are doing. Because if I just try and go beyond my limits unnecessarily, bina baat ke thukne ka koi fayda nahi hai. Just have fun on the trail. This is the speed that I am having fun on, 45-46. Nice. Go over this. Okay. Go. Oh fuck. That was bad. Bad choice of line. Oi 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 oi. This is exhausting, man. ट्रेल्स करने की आदत नहीं है तो ये होता है। ये एक्सपल्स भाई कैसे भगाते हैं लोग यार, उड़ा उड़ा के जा रहे हो तुम सारे। भाई हम तो धीरे चला रहे थे। मैं तो भाई बहुत तेज चला रहा था। अपने हिसाब से तो मैं मैक्सिमम चल रहा था। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ना यार इतना, मैं रेगुलर नहीं हूँ ना। अच्छा टाइगर पे होता तो कॉन्फिडेंस आता यार। मैं को ये सोच रहा था टाइगर पे ऐसी स्पीड पे चल रहे थे क्या हम? कितनी स्पीड पे चल रहा था तू? हम तो अलग स्पीड पे चल रहे हैं ना। नहीं उस दिन टाइगर पे जब आए थे 900-1200 पे हम 50-60 पे चल रहे थे, इससे तेज थोड़ी चल रहे थे। लेकिन 800-900 तो फिर भी छोटी बाइक है, वो तो ईजी रहती है। छोटी बाइक से हैं, मैं हाथी चलाता हूँ। मेरा मसल है, मेरा मसल नहीं है। कोई मसल नहीं है इसका, बल्क है भैंस। यार ये खुलता है थ्रॉटल बंद ही नहीं होता वापस। ऐसे में क्लच दबा ऐसे कर रहा होता है। घटिया प्रोडक्ट्स लगाओगे तो यही होगा यार। ये कौन सी एलन की है? ये एक मिनट में निकल आएगा। ये 4 नंबर है मेरे पास, नहीं है। इसकी सीट के नीचे से निकाल जब तक वो आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ये रनिंग चल रही है भाई? और नहीं तो हम पागल हैं। ये है इसका लुल। चाबियां बाहर आ गई हैं सबकी। वो वर्सेस वाला कहाँ है? वर्सेस
और युद्धवीर अच्छा यार वर्से चलाना भी तो प्रॉब्लम है यार इधर, ये जो ये लगाया ना गलत उसके लिए हाईवे के लिए, ये देखो ये साथ में घूम रहा है, इसको रोकना है, इसको रोकना है, कर राइड करो, एक मिनट आपको लूज करना है टाइट करना है, आप लूज क्यों कर रहे हो, लूज करना है क्योंकि वो लगाना है वापस नॉर्मल वाला, उससे क्या फर्क पड़ रहा है यार, इससे थ्रॉटल ओपन रह रहा है, प्लास भी होगा इसके पास, आज कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, हो गया, देखा ये बल्क फेस से ही होता है, ये निकालो भाई, दिमाग की दही कर दी इसने। और मैंने और एक रियलाइज किया, जब कर्व पे स्पीड स्लो करते हो तो बाइक स्किड हो रही है, वो तो मैं बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, ड्रॉप नहीं करना होता इसको, ऐसे जीरो नहीं करना होता, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंजन ब्रेक मारता है, पूरा बंद नहीं करता, नहीं तो ऐसी घटिया चीज लगाई क्यों, 1100 रुपए में कभी क्रूज कंट्रोल आता है, वो थ्रॉटल लॉक है, वो जो बुलेट वाले लगाते नहीं फिर खड़े हो जाते हैं बाइक पे हाईवे पे, फिर ऐसा सल्यूट मारते हैं, और क्या, चलो आप लोग चलना शुरू करो, चलो भाई धीरे धीरे, हाय आप कितना अच्छा लग रहा है यार, थ्रॉटल अब फ्री हो गया, हाय कितनी आराम पड़ा है यार, नाउ द थ्रॉटल इज लाइक के बिल्कुल ही आजादी मिल गई है, साइकिल वाले भाई लोग, मस्त व्यू है यार, दिस इज गुड, वेकिंग अप अर्ली रिवॉर्ड्स यू, ये कौन है बंदा जो उड़ता हुआ जा रहा है यार, ओ भाई कितनी बाइक्स हैं यार, एक दो वर्सेस एक्सपल्स हिमालयन 3 4th एक्सपल्स 5th हिमालयन 6th हिमालयन 7th हिमालयन एंड 8th एक्सपल्स उधर पीछे खड़ी है, एंड आउट ऑफ दिस 8 1 2 3 4 हाँ 4 हिमालयंस ऑल कैमेट वाइट, यार इतने सारे ऑफ रोड प्रो राइडर्स हैं, मेरे को भी कोई सिखा दो यार ऑफ रोड कैसे चलाते हैं, सिखाएगा ना यार, एक चीज तो सिखा दो, हाँ मैं सिखाता हूँ तेरे को, एक वो होती है पतंग होती है ना, देखिए वो जिसमें एक बंदा ऐसे होता है, ऐसे उड़ रहा होता है वो, तो अच्छा। तुम भी ऐसे ही खड़े होते हो बाइक में, वो ये तो ये पैर तुम्हारे ऐसे होते, तुम पूरे सीधे खड़े होते हो ऐसे, और हाथ भी तुम्हारे ऐसे होते हैं, तो कैसे होना है फिर, तुम्हें अपनी मूंड निकालनी, हिंज और उसके रिएक्शन में नीज से जो बेंडिंग आएगी बस उतनी चाहिए, और फिर तो थोड़ी देर बाद यहाँ भी दर्द होना शुरू हो जाता है यार, हाँ तो स्ट्रॉन्ग करें, एंड्योरेंस बिल्ड करो ना थोड़ी सी, 15 मिनट बाद ऐसा लगता है कि क्या हो गया, दर्द हो रहा है यहाँ पे यार, नहीं पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी, मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू आर ट्राइंग टू जस्ट थ्योरेटिकली अडैप्टिंग इट, यू हैव टू फाइंड स्टैंड ऑन योर हॉन्चेस अगेंस्ट अ वॉल, ऐसे तो इंग्लिश ना आती उसको, हॉन्चेस यस, ये क्या वॉल सिट करने को कह रहा है क्या बंदा, ये ऐसे दीवार का पोजीशन लेके ऐसे खड़े हो जाओ भाई साहब, आप पढ़े लिखे लगते हो जरा, थोड़े टाइम के लिए 5 मिनट्स अ डे, लेकिन अगर आप सुअर के पास खड़े होगे तो स्मेल आएगी, है ना, सुअर के पास खड़े होंगे तो स्मेल आएगी, नाउ व्हाट इज सुअर, यू टेल अस व्हाट इज सुअर, आई डोंट नो एनी ऑफ एसीडब्ल्यू, नहीं नहीं सुअर, आपको क्या समझ में आ रहा है सुअर वर्ड से, पिग, हां बट इट इज SEWER, जसवीन को डिस्क्राइब करो हमारी लैंग्वेज में, तेरे को साल नहीं नहीं ब्रिटिश इंग्लिश में सुअर ही है, सही कही है ये, इसने बोला ये ब्रिटिशर ये है, ये मैं कहां से ब्रिटिश, हां इसने बोला ना सुअर, सही कही है, हम तो बोलते हैं सीवर, नहीं नहीं सुअर, दैट्स राइट, हम तो सीवर बोल रहे हैं ना, ग्रेटर नोएडा में सीवर ही बोलते हो, वरना किसी समझ नहीं आता, सीवर का मतलब है काटना, अच्छा अच्छा सेवर, वो सेवर है, नहीं नहीं वो सेवर है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वो सेवर है, यू आर राइट, सेवर सेवर यार, ये प्रोनाउंसिएशन पे ऐसे मत मारा करो यार, इतनी मुश्किल से तो हम स्पेलिंग सीखते हैं वर्ड्स की और वर्ड समझते हैं, वोकैबुलरी में ऐड करते हैं और हम तो प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, हाँ प्रोनाउंसिएशन, ये आए और प्रोनाउंसिएशन थोड़े भी गलत है, वो भी गलत है, प्रोनाउन है, जब ये सही प्रोनाउंस करता है उसके बाद ये बीप डाल देता है वीडियो में, कमेंट्स में लोग बोल रहे हैं वी जस्ट केम बैक फ्रॉम वेयर डिड वी गो, वो लंडोर सेम लेक इन विच
अभिनव डिसाइडेड टू टेक अ मड बाथ राइट दिस इज द सेम वन हम लोग करेंगे उसको जाकर बहुत ही शानदार नजारा है वैसे वो वहां पे वो व्हील भी लगा है वो क्या बोलते हैं उसे मेले वाला जायंट व्हील जायंट व्हील समाने हो गए ना समाने हो गए बाबा बैच वहां जाते जाते गर्मी हो जाएगी यहाँ पे चला लो जिसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है यार व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन पीछे देख इनके साथ तू नहाया था पिछली बार मिसेस बैस वो झारी क्या झारी पानी जीरा पानी झारी पानी वाला भाई अगली बार वो लेंगे क्योंकि उधर क्या है मैं फर्स्ट टाइम जब हिमालयन पे गया था ना तो उस पर गया था तो मैं इस बार मेरे को याद था पर मैं जानबूझ के नहीं लेके गया क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं टाइगर पे गिर जाऊंगा मैं 900 पे था तो मेरे को याद आ रहा है उधर इंजन ब्रेकिंग ही नहीं हो रही थी यार हिमालयन पे बड़ी मुश्किल से हो रही थी पहला गियर बड़ा लंबा है सो वो उतरते उतरते 22-25 पे पहुंच जाती है विच इज वेरी वेरी फास्ट एंड क्लच खींचोगे तो और तेज भागेगी कुछ कर नहीं सकते तो फिर उसमें वो वही करनी पड़ती है ये फिंगरिंग फ्रंट ब्रेक पे यहाँ फिर इन्होंने बोला है धीर ने एक और तरीका बताया फिंगरिंग करने की जगह यू कीप एट इट ऐसे पकड़ के दबाए रखो एक हल्का सा फ्रिक्शन जोन मेंटेन हो जाए बट आई ऑल्सो डू द सेम मैं हमेशा मैं रियर ब्रेक तो यूज करता नहीं कभी भी हाँ. मैं फ्रंट ब्रेक पे ही उतारता हूँ भाई नहीं कई लोग फिर भी रियर ब्रेक बहुत यूज करते हैं ना क्लच फूटने के तो चांसेस हैं क्लच यूज क्यों करेगा कोई डाउनहिल में यार वो छोटा डाउनहिल है मतलब इट्स नॉट लाइक के पूरा मसूरी से देहरादून ही उतार रहे हैं एक दबा के वो एक एक ऐसा आया सेक्शन लंबा सा उसमें हाँ तो उसमें हल्का सा होल्ड करके ही उतारना ऑप्शन है अब कोई ऑप्शन ही नहीं है वो फिंगरिंग करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है बाइक भागना शुरू हो जाती है यार वो हल्का सा माइक्रो सेकंड के लिए भी जब रिलीज मत ना उसको बस दबाए रखो बाकी हाँ। फिर उसको मॉड्यूलेट करते ब्रेडा इसकी टाइगर 900 रैली हाँ। और मेरी 1200 रैली हाँ। पहले दूसरे दिन ही ये मतलब जैसे ही इसको थोड़ा सा ऑफ रोड शुरू हुआ भाई ड्रिफ्ट मारनी सिखाते कैसे रियर लॉक करके स्लाइड मारते हुए जाऊं कैसे जाऊं मैं 10 दिन बाइक चला रही हूं चुपचाप से शांति से सीधी सीधी चला रही हूं रियर लॉक कर दोगे स्लाइड कैसे होगी ना इधर यू पावर स्लाइड अबे इसको स्किट मारनी है यार ऐसे वाली वो जो स्टाइल वाले मारते हैं ना यूं एडी लेके जाते हैं इसने दो चार सागर शेल्डेकर के वीडियो देखे नहीं 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 सागर शेल्डेकर के नहीं देखे यार पूरी बाइक आ रही है अरे यार तू खड़ा हो पहले फ्रेम चेंज कर ले तू खड़ा हो पहले खड़ा हो जा ऐसे हां खड़ा हो जा पकड़ ली इसने हां हां थोड़ा पैर पीछे कर स्टैंड ऑन द बॉल्स ऑफ योर फीट राइट एंकल्स ड्रॉप कर पीछे हां और कहां ड्रॉप करेगा भाई अब पैरों से अपने घुटनों से पकड़ बाइक को आगे मत पकड़ सीट पकड़ तू पीछे सीधे रख पैर हाँ ठीक है अब अपनी ऐश को पीछे कर हिंच कर और हाथों को ऐसे बाहर की तरफ फ्लेयर आउट करके नहीं पूरा जितना फ्लेयर आउट कर सकता है करके देख हाँ और हाँ ये होनी चाहिए हाँ अब आगे देख नीचे मत देख आगे देख ऐसे रहेगा बंदा अबे आसमान में थोड़ी देखना है भाई आगे देख बस बाइक चलाएगा वो अपना ये मेंटेन करेगा कर लेगा भाई वो धीरे-धीरे अच्छा ये पोजीशन है ना मतलब हाँ अब एक बार ना फीट ये कांटेक्ट पॉइंट हाँ करेक्ट फीट के यहाँ पे हाँ और ऊपर की बॉडी ना लाइट रखनी है तेरे को एकदम अब सारांश तू करेक्शंस बता मैंने जो बताया इसमें ठीक है एग्जैक्टली राइट यही है बस अब इसमें चलानी है आपको स्टार्ट कर बाइक स्टैंड हटाओ स्टार्ट करो स्टैंड तो लगा ही नहीं है चल अब इसी में प्रैक्टिस कर ठीक है क्या करूँ बस चला फर्स्ट गियर पे रोल कर भाई चल जा आगे देख नीचे मत देखियो एल्बोस फ्लेयर आउट कर हाँ ऐसे ही शाबाश चल बाइक को लीन करना पैरों से बस हाँ शाबाश चलो बट हाउ डिड इट फील ऐसे ऑकवर्ड नहीं ज्यादा ऑकवर्ड नहीं पर ये थोड़े समय में पता लगेगा कितने टाइम अच्छा पैरों का पैरों से एकदम ना ग्रैब करके तेरे को टाइट रखना है और बस बॉडी को दबाना है इस चीज को हाँ एक सेकंड पकड़ेगा इसको बनेगा फ्रेम पहले बाइक तो सीखना यार गियर डाल दे वीडियो बना रहे ना हम तो ब्लॉगर है ना ऐसे अब समझ में आती है बस दैट्स इट एक एल्बो सीधी एक एल्बो टेढ़ी एल्बो ऐसे फ्लेयर आउट चाहिए एक स्ट्रेटन को हाँ बिल्कुल बिल्कुल अबे क्या कर रहा है सीधी करना बाइक यार तुम लोग गालियां दे रहे होल्ड इट बाय द हां उससे पकड़ो हां चलो अब चलो
हो ना पाएगा ये 100 किलो का आदमी, कौन पकड़ेगा? इतने रखता हूं मैं, ये देखो दो लोगों ने पकड़ा। ओके आई होल्ड द बाइक फ्रॉम द नैरोएस्ट पॉइंट, ओके एंड देन यहां से पैर सीधे, आई ड्रॉप माय हील्स, देख ना बॉल्स पे रहना है कि आर्चेस पे रहना है? बॉल्स बिली मार दे। रास्ता किसी ने बापन ने मनवाया, हमने मनवाया, नहीं जाके वापिस जाओ, नहीं जा रहे के इधर वापिस जाओ। हम पागल गुस्सा पागल बुढ़ा दी पास भाग रहा हूँ। अरे हम घुमा रहे बोर्ड बाइक घुमा रहे आजकल, अब पागल है पास मंदिर के रक्षा कर रहे हैं। नहीं आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, सब मांग रहे और फिर बात दोबारे।